नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका भद्रा है अकेडमी में आज का डेट है ट्वेंटी ऑफ सितंबर 2022 ट्वेंटी टू एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे यहाँ पर सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल रिलीज को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में बिल्कुल से लगा दिया जाएगा आप वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं चलिए सबसे सब पहला uh, मतलब आज का न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस नाउ क्यों न्यूज में था क्योंकि आसाम सरकार काम कर रही है टू गेट असामीज द रिकोगशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस ना सवाल होता है क्लासिकल लैंग्वेजेज होता क्या है पहले तो हम लोग देख लेते हैं दैट हमारे देश में ऐसे कौन कौन से लैंग्वेजेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेज का स्टेटस मिला हुआ है ठीक है क्लासिकल स्टेटस तो देखो वो है सबसे पहला जो लैंग्वेज था ना वो है तमिल ठीक है उसके बाद है संस्कृत कन्नड़ तेलुगु मलयालम उड़िया है ना उड़िया को सबसे रिसेंट अभी मिला हुआ है दैट इज दो हज़ार चौदह में ना रीसेंट है यार क्योंकि इससे सबसे पहले देखो सबसे पहले किसको मिला हुआ है तमिल को ठीक है सबसे रीसेंट, is, सबसे रीसेंट दैट इज लास्ट में किसको क्लासिकल uh, स्टेटस का दर्जा अभी तक मिला हुआ है वो है उड़िया ठीक है और बाकी सारे दैट इज uh, आपका संस्कृत कन्नड़ तेलुगू मलयालम ये सारे लैंग्वेजेस भी है जिनको मिला हुआ ना अब देखिएगा ये स्च, जितने सारे लैंग्वेजेस छ के लैंग्वेजेस इन छह लैंग्वेजेस जो है ना एट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिस्ट किए गए हैं लेकिन है ना आर नॉट ऑफ से ठीक है और उसी को रिलेटेड देखते हुए SMEs को भी डिमांड किया जाने वाला है देखो अभी तक अभी जस्ट डोजियर तैयार हो रहा है उस डोजियर को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वेदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट एसमीज को एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करती है या नहीं ठीक है अब आ जाता है ठीक है अगर रिकॉग्निशन करने का क्या ऐसे कोई भी लैंग्वेज को क्या क्लासिकल स्टेटस का दर्जा मिल जाता है तब तो कल को हर ही सब लैंग्वेजेस ही आ जाएंगे नहीं नहीं हमको भी दो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस हमको भी दो क्या क्राइटेरिया कुछ क्राइटेरिया है क्या जी हाँ क्राइटेरिया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये कुछ कुछ क्राइटेरिया गाइडलाइंस निकालती है दैट कोई भी लैंग्वेजेस को हम क्लासिकल लैंग्वेज कब बोलेंगे सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उस लैंग्वेज की एंटीकिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए दैट इज एंटीक जैसे होता है ना कोई सबसांस एंटीक होता है दैट इज़ बहुत पुराना अगर हो तो जैसे मिनिमम तो पंद्रह से दो साल वो लैंग्वेज जो है पुराना होना चाहिए दूसरा अ बॉडी ऑफ एंशियट लिटरेचर एंड ऑल टेक्स्ट विच इज़ कंसिडर्ड अ वैल्यूबल हेरिटेज बाई जनरेशन ऑफ स्पीकर्स मतलब ये कोई ना कोई तो एंशियट लिटरेचर एंड टेक्स्ट होने चाहिए जो क्या वैल्यू मतलब काइंड kind ऑफ of, हेरिटेज होना चाहिए ऑफ कोर्स देखो आप एस इज लैंगज यस इट इज अरिटेज फॉर पर से एंड होल रीजन फॉर दैट मैटर ठीक है थर्ड लिटरेरी ट्रेडिशन जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए कोई दूसरे लैंग्वेज से ये बॉडो बिल्कुल नहीं होना चाहिए या फिर कोई दूसरा स्पीच कम्युनिटी से ऐसा नहीं दैट हाँ रिजेंबल करता है ना 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 अलग होना चाहिए ठीक है और चौथा जो क्राइटेरिया है वो डिस्टिंक्शन दैट इज मॉडर्न जितने सारे लैंग्वेजेस है उससे डिस्टिंक्ट होना चाहिए ठीक है एंड देर मे ऑल्सो भी डिसकन्टीन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेजेज इन इट्स लेटर फॉर्म मतलब ऐसा भी हो सकता है दैट हाँ चलो एक समय तक लैंग्वेज चला था बीच में एक गैप सा आ गया था फिर से वो लैंग्वेज रिवाइव किया दैट इज नॉ अब ये गैप आ गया ठीक है वो हो ही सकता है दैट इज़ अ वेरी मच पॉसिबल ठीक है बट हाँ ये सारे क्राइटेरियाज जो है बिल्कुल फुलफिल होनी चाहिए है ना नेक्स्ट आसाम लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग पॉलिसी ट्वेंटी वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना लॉजिस्टिक पॉलिसी को अनवील किया ऑफकोर्स विल डिस्कस दैट एज वेल बट जो आसाम ट्रिब्यून में दिया हुआ था पहले वो डिस्कस कर लेते उसके बाद सेंटर वाला भी डिस्कस करेंगे क्यों चलो हेमंत तो बिश्व शर्मा जी ने लॉन्च किया है आसाम लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग पॉलिसी ट्वेंटी जिसका मेन है आसाम को एक रीजनल लॉजिस्टिक हब क्रिएट करना इनफैक्ट अगर असम की रैंकिंग देख लीजिएगा ना लॉजिस्टिक सेक्टर में एक एक रैंक आता है बाई द नेम ऑफ लीड्स एल ई ए डी एस दैट इज लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इसके तहत रैंक अगर देख लीजिएगा अमंग 21 मेजर स्टेट्स जो क्या देश में हैं है ना असम लॉजिस्टिक असम का जो रैंक है ना वो सिक्स प्लेसेस उल्टा नीचे आया है और किसका कंपैरिजन में लीड्स 2019 का जो रैंक था उसके कंपैरेटिवली 2021 वाले रैंक में आसाम का जो रैंक है छः पोजीशन उल्टा नीचे आया है अच्छा अब अगर कोई किसी का रैंक नीचे आया तो इसका मतलब क्या शायद वो उस 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 रीजन में कोई बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे जी हाँ वो चैलेंजेस क्या है पुअर परफॉर्मेंस इन वेरियस इंडिकेटर्स वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए सर्विसेज ले लीजिए ऑपरेटिंग या फिर रेगुलेटरी इन्वामेंट ले लीजिए सब में परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है आसाम का ठीक है अच्छा कौन कौन से मेजर एरिया you know, है ऑफ लॉजिस्टिक डेवलपमेंट जो कि आप पॉलिसी यू नो मांग कर रहा है टू एड्रेस देखो जो मेजर एरिया है जिस पर फोकस किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत वह है पॉलिसीज एंड रेगुलेशन दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से अगर देख लीजिएगा जो भी अभी तक पॉलिसीज जो भी अभी तक रेगुलेटरी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन प्रोवाइड किए थे उसको और भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना है जिससे एक फेयर एक इक्विटेबल कॉम्पिटिटिव मार्केट किया जाए और साथ ही साथ इंश्योर किया जा सके दैट लॉजिस्टिक सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो प्रोग्रेसिव हो टूवर्ड्स अ सेफ ग्रीन और एनर्जी एफिशिएंट इंक्लूसिव सर्विसेज सेक्टर ठीक है दूसरा पॉलिसीज को बनाना है जहां पर मार्केट मैकेनिज्म नॉट वर्क इफेक्टिवली ठीक है वैसे पॉलिसीज को हमें डिवाइस करने की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है अच्छा इसी को देखकर ऑफकोर्स इसको देखकर नहीं बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया उसको uh, मद्देनजर देखते हुए आसाम में लाया गया है तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को डिस्कस करते हैं क्योंकि इंडिया ने फाइनली अनवील किया है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जिसका मेन एम क्या है प्रोमोट करना सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स और इन्हांस करना कॉम्पिटेटिवनेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक है थ्री के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अनाउंस अगर किया गया था बजट में ही किया गया था लेकिन है ना इनफैक्ट इंडिया का अगर रैंक देख लीजिएगा फोर्टी रैंक है वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जिसमें गुजरात ने टॉप मारा है जी हाँ गुजरात ने गुजरात है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स है ना जैसे हम लोगों ने लीव इंडेक्स डिस्कस किया था ना जहाँ पर आ, आसाम का रैंक उल्टा छः रैंक गिरा है उसी में गुजरात ने टॉप मारा हुआ है ठीक है कुछ कुछ फैक्चुअल बातें थे चलो अब हम देख लेते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर में जो ये पॉलिसी लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये क्यों लाया गया है क्योंकि इंडिया में अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट देख लीजिएगा ना थर्टीन टू एटीन है वहीं पर डिफरेंट अदर लॉ डेवलप्ड इकोनॉमीज में देख लीजिएगा मात्र एट परसेंट है तो इंडिया में ज्यादा है क्या नहीं तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस ज्यादा हुआ क्या नहीं मतलब यहाँ के एक्सपोर्टर्स को उल्टा तो लॉस हो रहा है ना यार खुद सोच के देखो ना है ना तो इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत ही ज्यादा डिफ्रेगमेंटेड है बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स है और यह सेक्टर प्रोवाइड करता है इंप्लॉयमेंट टू मोर देन 22 मिलियन पीपल और साथ ही साथ यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट आने वाले समय में यह ग्रो करेगा एट द रेट ऑफ 10.5 परसेंट नेक्स्ट फाइव इन लॉजिस्टिक एक बैकबोन है इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड को एंड कहा जा रहा है दैट इट विल हेल्प इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नॉट ओनली इंडिया हमारे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमारी बढ़नी ही है बट साथ ही साथ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होगा अब आप खुद सोचो ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम अभी चाइना के ऊपर हंड्रेड परसेंट निर्भर है पता है है ना तो ये सब निर्भरता घटेगी है ना इनफैक्ट जो कंट्रीज जो कि अभी तक इंडिया से इंपोर्ट नहीं करते थे वो उनका जो डाइवर्सिफिकेशन बास्केट है ना उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं और मेन एम यही है दैट कैसे हम लोग लॉजिस्टिक सेक्टर में जो कॉस्ट को रिड्यूस कर सके अगेन आठ परसेंट तो नहीं हो पाएगा इतना जल्दी बट हाँ एटलीस्ट धीरे धीरे वो इम्प्रूव करेंगे पहले टेन परसेंट फिर बाद में दस पाँच दस साल बाद फिर से एक लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया जाएगा जहाँ पे बोला जाएगा आठ परसेंट तो धीरे धीरे ही ना चीज़ें बढ़ती हैं यार है ना नेक्स्ट स्किल को हमें डेवलप करना पड़ेगा अमंग यूथ जिससे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस किया जा सके इनफैक्ट हमें प्रमोट करना पड़ेगा सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिवनेस जो है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसको भी बहुत ज्यादा एनहांस करने की जरूरत है यहां पर फोकस करना पड़ेगा कुछ कुछ की एरियाज में जैसे प्रोसेस री इंजीनियरिंग डिजिटाइजेशन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कुछ कुछ जो बहुत मेजर स्टेप्स लिए गए हैं अंडर द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज आर इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम अब देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको पता है रोड ट्रांसपोर्ट रेलवेज कस्टम एविएशन फॉरन ट्रेड कॉमर्स अब ये सारे तो आपका अल्टीमेटली लॉजिस्टिक सेक्टर से इंक्लूड होते हैं क्या नहीं है ना अब ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिजिटली इंटीग्रेट करने का काम है इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम के अंडर ठीक है उसके बाद आया यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ठीक है जिसके तहत इंप्रूव किया जा सकेगा कार्गो के मूवमेंट को स्मूदन किया जाएगा कार्गो के मूवमेंट को और इससे इनेबल किया जाएगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन रियल टाइम बेसिस इन अ कॉन्फिडेंशियल मैनर ठीक है नेक्स्ट ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स दैट इज बोला जा रहा है दैट ये सिंप्लीफाई करेगा द रूल्स एंड ईज द लॉजिस्टिक बिजनेस है ना सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप्स मॉनिटर करेगी हर एक लॉजिस्टिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट को रेगुलरली और साथ ही साथ अगर कोई भी इसमें ऑब्स्टेकल बन रही है तो ऑफ कोर्स उसको गवर्नमेंट के सामने रखना है जिससे फ्यूचर में उसको भी इम्प्रूव किया जा सके डिफरेंट अदर भी स्टेप्स लिए गए सरकार के द्वारा जैसे रिसेंटली आप बहुत सुनते हो गए गतिशक्ति स्कीम भारतमाला परियोजना सागरमाला प्रोजेक्ट राइट लॉजिस्टिक डिविजन्स हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में बनाया गया है तो ये सब क्यों भी किया गया अल्टीमेटली पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर्स को जो है स्मूदन करने के लिए ठीक है नेक्स्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम डॉक्टर्स ने अभी रिसेंटली ये न्यूज इसलिए था क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला दैट देखो 20 परसेंट जो इंश्योरेंस मनी है सिर्फ उतना ही हमें मिला है अभी भी जो 80 परसेंट मिलना है वो चीज़ नहीं मिला ना ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम था क्या कोविड 19 के समय आपको पता होना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स वेयर द नेशनल हीरोज ऑफकोर्स दे आर दे विल रिमेन बी द नेशनल हीरोज बट उस समय जो है ना दे देर द वन हु हुर एक्चुअली यू नो इंडिया को संभाल रहे थे ठीक है सो so, उनके लिए एक दायित्व तो बन गया था मॉरली दैट हाँ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड किया जा सके इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम लाया गया था जिसके तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया गया था ऑफ 50 लाख रुपीस टू ऑल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जिसमें डॉक्टर्स जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी आते हैं कंपाउंडर्स ए टू जेड सारा फ्राटर्निटी है ना जिसमें देखो कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स भी थे है ना प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स भी थे है ना तो ऑल द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स वेलनेस सेंटर्स हॉस्पिटल्स सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का सबको इनके अंडर कवर किए गए थे जिससे अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो एटलीस्ट दे गेटिंग एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मनी राइट तो इसीलिए मनी नहीं मिला था इसीलिए दिस वॉज एन न्यूज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वन टू सिक्स सेवन कमिटी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में क्यों क्योंकि इंडिया और यूएस ने मिलकर अटेम्प्ट किया था दैट लश्कर ए तैया का जो कमांडर है ना साजिद मीर जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है उसको फॉर्मली ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना देखो अब टेररिस्ट क्या होता है ना मैं हम लोग अगर घोषित कर दिए टेररिस्ट बट दुनिया उसको मानेगी क्या नहीं वो डिपेंड करता है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वन टू सिक्स सेवन कमेटी के अंडर उसका नाम इंक्लूड हो जाए है ना बट आपको तो पता है दैट चाइना जो है वो नहीं होने देती है पिछले बार भी बहुत ज्यादा चाइना ने ब्लॉक मारा था इस, इस बार भी ब्लॉक मार रही है और उसी लिए यह न्यूज में है ठीक है सो वन टू सिक्स सेवन जो है यह लिस्ट करता है टेररिस्ट ऑफ ग्लोबल लिस्ट और उसको एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्टाम्प लग जाता है मतलब कल को हम लोग क्लियरली दुनिया में रख सकते हैं दैट देखो भाई पाकिस्तान में तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिकॉग्नाइज किया हुआ टेररिस्ट रहता है बट पाकिस्तान वाले हम लोग को नहीं बोल सकते हैं हमारे देश में वैसे लोग नहीं है समझ लो बात तो इससे क्या होगा कोई दूसरे देश की छवि को गिराया जा सकता है पाकिस्तान के छवि को आराम से गिराया जा सकता है समझ लो बात नेक्स्ट इंस्पायर अवॉर्ड मानक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली प्रेजेंट प्रेजंट किया इंस्पायर अवार्ड टू स्टार्टअप और साथ ही साथ अराउंड 50,000 बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है जिससे ज्यादा से ज्यादा टैलेंट ताले को साइंस के सेक्टर में और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिल सके मानक स्टैंड फॉर मानक मिलियन माइल्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज लॉन्च किया गया था 2017 को एम इसका यही है दैट वन मिलियन जो है आइडियाज़ को लाया जा सके जिससे एक कल्चर क्रिएटिविटी का यू you नो know, लाया जा सके अमंग द स्टूडेंट्स थ्रू आउट इंडिया नेक्स्ट नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एन टी टी एम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट एन टी टी एम को in various areas whether it be specialty fibers or sustainable fibers or जियो टेक्सटाइल मोबाइल टैक या फिर स्पोर्ट टेक्सटाइल है ना मतलब देखो वैसे तो एप्लीकेशंस अगर देखोगे एग्रीकल्चर रिलेटेड है क्लोथिंग रिलेटेड है है ना इंडस्ट्रियल रिलेटेड है होम के अदर अदर एस्पेक्ट पैकेट है ना तो अल स्पोर्ट्स के सेक्टर में मेडिकल सेक्टर में किस किस सेक्टर में नहीं है अलग अलग सेक्टर में इस टेक्निकल टेक्सटाइल के एप्लीकेशंस होता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब अगर बोला जाए तो देखो नॉर्मल आप जो शर्ट पैंट पहनते हो ना डेकोरेट डिजाइन वाला शर्ट पैंट होता है ठीक है बट टेक्निकल टेक्सटाइल जो होता है ना उसमें कुछ इंजीनियरिंग एलिमेंट लगी हुई रहती है इंजीनियरिंग एलिमेंट इन द सेंस दैट वो सुंदरता के लिए उसको पहनता कोई पहनने के लिए नहीं बनाया जाता है उसको मेनली यूटिलिटी फैक्टर के लिए बनाया जाता है मतलब एस्थेटिक या फिर डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं दिए जाते हैं जो कि नॉर्मल आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें दिए जाते हैं है ना बट की इसको टेक्निकल परफॉर्मेंस जिससे कर सके उसके लिए ही इसको बनाया जाता है जैसे जैसे एरोप्लेन का जो आपने देखा है सीट कवर वो क्या है वो टेक्निकल टेक्सटाइल tech है है ना सो so, अब बहुत समय आप देखोगे दैट ये जो आ, क्रिकेट में जो ग्लव्स पहनता है वो क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल tech है है ना अब फैब्रिक के टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रॉपर्टीज़ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं एज कम मतलब अगर अलग अलग कंटेक्ट में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते, प्र, होते, होते हैं कुछ कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल जो है एंटीबैक्टीरियल होते हैं एंटी स्टैटिक होते हैं कुछ कुछ केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं कुछ कुछ में आप आग लगा दीजिएगा आग भी नहीं लगेगा है ना कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को रिपेल करते हैं यू रेजिस्टेंट होते हैं तो ये सब अलग अलग क्राइटेरिया है अलग अलग बेसिकली फ़ायदा है ठीक है नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया था सन 2020 को है ना और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2024 तक इसके तहत मेनली एम यही है दैट इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है टेक्निकल टेक्सटाइल में प्रेजेंटली अगर इंडिया का शेयर देख लोगे टेक्निकल टेक्सटाइल में सिक्स ऑफ द वर्ल्ड मार्केट ही छेकी हुई है चाइना बहुत ज़्यादा छेकी हुई है है ना सो टेक्निकल नेशनल टेक्सटाइल मिशन का एम क्या है चार कॉम्पोनेट्स है इसमें एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट दूसरा प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट एक्सपोर्ट प्रोमोशन और एडुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ये सब कुछ कुछ एम है नेक्स्ट कृतज्ञ 3.0 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड क्रॉप साइंस डिविजन तीनों मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही है हैकेथॉन 3.0 जिसको हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं इसके तहत मेन एम यही है दैट क्रॉप इम्प्रूव करना और कैसे इम्प्रूव करोगे बाय ब्रीडिंग को ज़्यादा फास्ट ट्रैक करके कृतज्ञ का फुल फॉर्म देखिएगा देखिए क्री के आर आई क्री स्टैंड्स फॉर कृषि तग टी ए सॉरी टी ए टी ए स्टैंड्स फॉर तकनीक दैट इज कृषि तकनीक है ना और जी वाई ए कृतज्ञ स्टैंड्स फॉर ज्ञान मतलब हम बोल सकते हैं इसको कृषि तकनीक ज्ञान है ना सो so, कृषि तकनीक ज्ञान इसको दिया जाता है जिससे ओवरऑल जो ब्रीडिंग होता है क्रॉप्स का वो उसको फास्टन किया जा सके है ना और इस कंपटीशन में वेरियस जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है है ना उनके स्टूडेंट्स फैकल्टीज इनोवेटर्स इंटरप्रिनर्स को एक प्लेटफॉर्म में लाया जाता है जिससे क्या ऑफकोर्स वो लोग भी अपने राय को प्रॉपर रख सके नेक्स्ट सीड ट्रीटी इंडिया होस्ट करेगा नाइन्थ सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ सीड ट्रीटी सीड ट्रीटी को हम लोग जानते हैं अलग नाम से भी जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ये एक मेजरली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके थ्रू कंजर्व किया जाएगा यूज़ किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को जिसको एडॉप्ट किया गया था सन 2001 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और ये फोर्स में आया इन द ईयर ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर जिसमें इंडिया इज अ पार्टी टू इट ठीक है ट्रीटी का मेन एम क्या है रिकॉग्नाइज करना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्रोवाइड करना एक्सेस टू प्लांट जेनेटिक मटीरियल इंश्योर करना दैट जो भी बेनिफिट्स हो राइट right? सो so, उसके बेनिफिट्स को प्रॉपरली शेयर किया जा सके एंड द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 जो है रिकॉग्नाइज करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ कमर्शियल प्लांट ब्रीडर्स और फार्मर्स इन प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटीज ठीक है तो इसके कुछ कुछ मेजर रोल्स दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड इट इसके अंडर राइट क्या क्या है देखो तीन स्टेक uh, होल्डर्स को राइट मिलता है एक तो ब्रिडर को एक रिसर्चर को एक फार्मर्स को ब्रिडर राइट्स क्या है एक्सक्लूसिव राइट है जिससे क्या वो प्रोड्यूस कर सके सेल कर सके मार्केट कर सके डिस्ट्रीब्यूट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके वेरियस प्रोडक्ट वैराइटीज प्रोटेक्टेड आई मीन जो भी वो लोग ब्रीड कर रहे हैं नेक्स्ट इज रिसर्चर्स राइट रिसर्चर्स जो है दे कैन यूज एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वैराइटीज अंडर दैक्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट और रिसर्च फार्मर्स का राइट क्या है फार्मर्स अगर चाहे तो वो सेव कर सकता है यूज़ कर सकता है सो या फिर री सो या फिर एक्सचेंज शेयर या फिर सेल कर सकता है उनका फार्म प्रोड्यूस इंक्लूडिंग सीड ऑफ वराइटीज प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट वट एवर वी है फार्मर हुज इवॉल्व और डेवलप अ न्यू वराइटी इज इन टाइटल टू रजिस्टर एंड प्रोटेक्शन इन लाइक मैनर एज ब्रेटर चलो उतना भी तभी ध्यान मत देना फार्मर का राइट क्या है वही दैट इज मोर देन इनफ सोवा वायरस अटैक रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था सोवा वायरस क्यों न्यूज में था क्योंकि सर्ट इन दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है ना इन्होंने एक सेफ्टी एडवाइजरी जारी किया है एगेंस्ट न्यू मोबाइल बैंकिंग ट्रॉजन वायरस जिसका नाम है सोवा ठीक है ना ये एक नया बैंकिंग मालवेयर है एंड यह टारगेट करता है बैंक कस्टमर्स को जो कि यूज़ कर रही है सोवा एंड्रॉयड ट्रॉजन जिसका विद एबिलिटी टू हार्वेस्ट यूजर नेम्स एंड पासवर्ड मतलब देखो जैसे क्या होगा ना मैं आपको बच्चे वाला लैंग्वेज बता रहा हूँ आप जैसे एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करते हो ना तो एंड्रॉयड ऐप आप में आपको एक ऐप आप दिखेगा ऐसे दिखेगा एमेजोन का ऐप आप है आपको सोचेगा चलो भाई अमेजन का ऐप है चलो डाउनलोड कर लेता हूँ आप डाउनलोड कर लोगे उसको कुछ कुछ एक्सेस दे दोगे ना बोलता नहीं है डेट ओके क्लिक करो बहुत एक लंबा सा कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है कौन पढता है कोई नहीं पढ़ता है <laughs> नीचे में आई एग्री क्लिक करके आई एग्री डाप देता है आप भी आई एग्री डाप दोगे ना तो क्या होगा दैट बाई चांस बाद में अगर आप उस मोबाइल फोन से आप अपने नेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर रहे हो ना तो आपका आई आपका पासवर्ड सारा जो है इन, आ, नो, के पास चला जाएगा। और आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है इसीलिए उल्टा पुल्टा चीज कभी भी डाउनलोड मत किया करो कहीं से ठीक है एमसीक्यू सेक्शन में आता है कल के एमसीक्यूज पूछ ले दो एमसीक्यूज दिए गए थे जिसमें पहला था ऑनलाइन गेमिंग को डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया ऐसा बिल्कुल नहीं है है ना आ, कुछ कुछ रीजन में इलीगल है जैसे सिक्किम राइट दैट इज़ नॉट इलीगल राइट कुछ कुछ रीजन जैसे मेघालय भी इस चीज़ को प्रोमोट कर रहा है बेटिंग ऑन गैम्बलिंग जो है वो यूनियन लिस्ट में नहीं नहीं ये यूनियन लिस्ट में नहीं ये स्टेट लिस्ट में है तो दोनों के दोनों तो यहाँ पे गलत हो गए ना तो इसलिए नन ऑफ द अबोव इज करेक्ट इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट ग्रीन फिल्स ऑफ ऑफकोर्स प्रमोट करना सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म है ना सो करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा डी डी जिसमें सब ने डी डी ही मारा हुआ है वेरी गुड अच्छा संगीता संगीता ने बी मारा हुआ है पहला वाला कोई बात नहीं संगीता देख लीजिएगा फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा शायद आपने प्रॉपरली पढ़ा नहीं है उस चीज को है ना एनी वेज uh, आज के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला नेशनल टेक्सटाइल नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन वॉज लॉन्च टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल और दूसरा इन टेक्सटाइल सेक्टर प्रेजेंटली इंडिया शेयर सिक्स परसेंट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट ठीक है आपको नीचे इनफैक्ट फैक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा इन टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर ठीक है इन टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर है ना Choose the correct option one only, two only, both one and two, neither one nor two. Next, which among the following committees of United Nations Security Council list the terrorists uh, of global level? United Nations Security Council 1267 Committee, UNSC 2617 Committee, UNSC 7126 Committee, UNSC 7216 Committee. Niche comment section Bilko we will be waiting for your answer to come out. This was all about the discussion for today's guys' class. We'll be meeting in the next section. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much, guys.